बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर वेद प्रकाश को जेल भेजा गया है। योजना भवन के बेसमेंट में करोड़ों रुपए मिलने के मामले में बेजेल भेज दिया गया है वेद प्रकाश यादव को। वेद प्रकाश यादव को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। योजना भवन के बेसमेंट में एक अलमारी में करोड़ों रुपए नकदी मिलने के बाद और तमाम सोने मिलने के बाद, सोने के जेवरात मिलने के बाद में उनको रिमांड पर लिया गया था, पूछताछ की जा रही थी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद में आज कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया है। आपको बता दें वेद प्रकाश यादव डिपार्टमेंट ऑफ आईटी में जॉइंट डायरेक्टर के रूप में तैनात थे और उनके ऊपर इल्ज़ाम था कि उन्होंने टेंडर पास कराने की एवज में करोड़ों रुपए रिश्वत के रूप में लिए और जब उसका खुलासा हुआ तो ACB ने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। बड़ी खबर, जहां वेद प्रकाश को कोर्ट ने जेल भेज दिया है, वेद प्रकाश यादव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, जहां वेद प्रकाश को जेल भेज दिया गया है। बड़ी खबर, योजना भवन के बेसमेंट की अलमारी में करोड़ों रुपए मिलने के मामले में जेल भेजा गया है। आपको बता दें रिश्वत का आरोपी माना गया है और इस पर जानकारी देने के लिए जुड़ गए हमारे सहयोगी विनय पंत हमारे साथ में। विनय, क्या है अपडेट? जी शालिनी, देखिए मैं बताना चाहूंगा, वेद प्रकाश यादव की रिमांड अवधि पूरी होने पर आज उसे ACB ने तीसरी बार ACB कोर्ट में पेश किया था और आज ACB की ओर से कोर्ट में जो रिमांड है वो नहीं मांगी गई, जिसके चलते ACB कोर्ट ने आरोपी वेद प्रकाश यादव को जेल भेजने के आदेश दिए, जिसके बाद ACB की टीम अब वेद प्रकाश यादव को जेल के लिए लेकर रवाना हुई है। मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह से योजना भवन के बेसमेंट में करोड़ों रुपए की काली कमाई उजागर हुई थी और जो DOIT के जो निलंबित जॉइंट डायरेक्टर है वेद प्रकाश यादव, उसके द्वारा ये काली कमाई उस बेसमेंट में रखी हुई अलमारी के अंदर स्टोर करके रखा हुआ पाया जाना सामने आया था और उसके बाद कार्रवाई करते हुए तुरंत सबसे पहले जो सरकार है उसकी ओर से वेद प्रकाश यादव को निलंबित किया गया था और क्योंकि मामला आय से अधिक संपत्ति और काली कमाई का था, इसके चलते इसकी जांच ACB को सौंपी गई थी और ACB पूरे प्रकरण में अपनी जांच कर रही है। हालांकि अभी तक की जांच में जो आरोपी वेद प्रकाश यादव है उसने ACB टीम का जरा भी सहयोग नहीं किया है, जितने भी सवाल उससे पूछे गए उसके जवाब वेद प्रकाश द्वारा नहीं दिए गए हैं। अब ऐसे में वेद प्रकाश का जो मोबाइल और लैपटॉप सीज किया गया है उसकी FSL जांच कराई जा रही है और उससे जो राज सामने आएंगे उसके आधार पर ACB अपनी जांच। कौन सी जेल में रखा जाएगा और किस तरह की कार्रवाई होगी, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी शालिनी, देखिए मैं बताना चाहूंगा, जो ACB कोर्ट है वहां से अब वेद प्रकाश यादव को जयपुर सेंट्रल जेल के लिए ले जाया जा रहा है। हालांकि पहले आरोपी का मेडिकल करवाया जाएगा और मेडिकल करने के बाद जेल के अंदर आरोपी को भेजा जाएगा। वहीं अब इस पूरे प्रकरण में ACB जो है उसकी पूरी जांच, जो दस्तावेज और या जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बरामद किए गए हैं उनसे जो भी चीजें सामने आएंगी उन तथ्यों के आधार पर आगे बढ़ेगी। जी विनय, देखा जा रहा है कि जो ACB है वो बहुत ही फास्ट ट्रैक मोड में जो है वो इसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे सहयोगी विनय पंत, जिन्होंने बताया कि वेद प्रकाश यादव को फिलहाल जेल भेज दिया गया है, रिमांड पर नहीं लिया गया है। बेसमेंट में मिले करोड़ों रुपए की जो काला धन था और जो सोना मिला था उसकी एवज में उन्हें गिरफ्तार किया गया था और वेद प्रकाश यादव को जेल भेज दिया गया है।